मेरे आत्मस्वरूप बंधुओं, मैं कालियाई ब्रांड या सरकारी शिक्षा से शिक्षित दड़बों में प्रेम क्या है विचार करते हैं। प्रेम क्या है? प्रेम शारीरिक, आर्थिक, बौद्धिक आकर्षण या स्वार्थ सिद्धि के दांव पेच के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। शारीरिक दांवपेच, आर्थिक दांवपेच, बौद्धिक आकर्षण का दांवपेच और स्वार्थ सिद्धि के दांवपेच, यही तो तथाकथित प्रेम है संसार में आजकल। प्रेम एक ढोंग है, एक्साइटिंग फन है, एक साथ प्लान मल्टीपल रोमांस, इंजॉय करने का उत्तेजनापूर्ण गेम है जिसमें थ्रिल है, सस्पेंस है, सब कुछ है, पर सुख शांति नहीं है, केवल एक्साइटमेंट है, एक अशांति है जो तूफान बनने के रास्ते पर है। एक बड़ा तूफान, एक टॉर्नेडो आने वाला है। सरकारी शिक्षा शिक्षित काला फिरंगियों में व्यापार, नौकरी, सेना में काम, नेतागिरी, धार्मिक रीति रिवाज सब दंभपूर्ण और दूर का शातिराना मृग मरीचिकावत लक्ष्य युक्त होता है। उदाहरण स्वरूप आप देख लीजिए, टेलीविजन में नेता कैसे जाते हैं, टीवी सीरियल देख लीजिए, तो सारा दंभपूर्ण है, बहुत दूर का शातिराना मृग मरीचिकावत लक्ष्य से युक्त होता है वह सारा दृश्य। उद्देश्य होता है केवल दौलत, पावर, केवल एक्साइटमेंट। सेवा भावना सिर्फ नैतिक पाखंड और कंप्लीट हिपोक्रेसी होता है। वैसे अपवाद तो सब जगह होते ही हैं, वह विरला होता है। हिंदुत्व का परित्याग कर काला फिरंगी बनी दिशाहीन भीड़, पैसा, पावर, यही तो भारत की तथाकथित जनता जनार्दन है। पैसा पावर की गला काट प्रतियोगिता में तनावग्रस्त जीवन जीने को बाध्य है हमारा संपूर्ण जनता जनार्दन, संपूर्ण देश। इसी से निजात पाने की बेहोशी में दारू, नशा, सिगरेट, ड्रग और गुटखे और इल्लिसिट सेक्स और मैत्री और विवाह और शराफत से पेश आना और लिव इन रिलेशनशिप आदि अपसांस्कृतिक पशुत्व पूर्ण जाहिलियत का आसरा लेते हैं। चाहे जितना भी दरिद्री हो, चाय और गुटखे गटकते ही रहते हैं। और आजकल तो काशी, वृंदावन, अयोध्या में कुंभ मेलों में धनी धर्मात्मा मठाधीश फ्री में निकोटीन युक्त चाय का जहर पिलाने को अटूट श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रार्थना करते पेश आते हैं। लाउड स्पीकर में अनाउंस करते रहते हैं, आइए 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 संत भगवान, चाय पी लीजिए। गला काट प्रतियोगिता में तनावग्रस्त जीवन जीने से निजात पाने का रास्ता हो गया है चाय। और मोदी जी की चाय बेचने की, बचपन में चाय बेचने की जो कहानी है, वह तो इसमें चार चांद लगा दिया। सब लोगों के अंदर एक विश्वास हो गया है कि चाय बहुत अच्छी चीज है। तो मेरे आत्मस्वरूप बंधुओं, जिस्मानी संबंध और शारीरिक मानसिक भूखों की आग में उनकी आस्था, उनकी श्रद्धा, उनके प्रेम, उनके विवाह, उनकी गरिमा और देश प्रेम और ईश्वर प्रेम भी, आत्मसम्मान भी सब जल के खाक हो चुके होते हैं। ऊपर से गांधी, नेहरू, विनोबा, मोदी
जैसे दगाबाजों के वचनों को अंधे की भांति मानकर अपनी धार्मिक सुरक्षा, शैक्षिक दैहिक शुद्धता की सुरक्षा प्राचीनों को सर्वधर्म संभाव जैसे धूर्ततापूर्ण वाक्यों से, सबका साथ सबका विकास जैसे धूर्ततापूर्ण वाक्यों से ध्वस्त कर डाला है। इसीलिए आज योग वासिष्ठ की महती आवश्यकता है। चलिए आज हम पहुंचते हैं अयोध्या के राज दरबार में, जहां बैठे हुए हैं दशरथ जी महाराज, जहां बैठे हुए हैं विश्वामित्र जी महाराज, वशिष्ठ जी महाराज, गुरुदेव बैठे हुए हैं, और वहां श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बैठे हुए हैं नीचे हाथ जोड़े हुए, और वहां पूरा दरबार लगा हुआ है और श्री राम प्रश्न पूछ रहे हैं और वशिष्ठ उत्तर दे रहे हैं। सुखदेव जी के ज्ञान प्राप्ति की कथा सुनकर श्री राम को तत्व ज्ञान प्राप्ति की इच्छा और भी तीव्र हो गई, अदम्य हो गई। उन्होंने वशिष्ठ जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भगवान मैं आपसे इस अमृतमय उपाख्यान को और आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना करता हूं। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि राजकुमार राम, मुझे सृष्टि के आदि में ब्रह्मा ने, मेरे पिता ब्रह्मा जी ने जो ज्ञान दिया था वह मैं तुम्हें सुनाता हूं। श्री राम ने कहा, वाह, सृष्टि के आदि में आप थे, कितनी लंबी आयु है आपकी। जब कमलयोनि ब्रह्मा इस जगत की सृष्टि कर चुके, वशिष्ठ जी बोले, और संसार में मनुष्य कर्म के नियमानुसार सुख दुख के भौर में फंस गए, तो उनको मनुष्यों की दीन दशा को देखकर बहुत करुणा उपजी। उन्होंने सोचा कोई ऐसा उपाय मनुष्यों को बताना चाहिए जिसके द्वारा वे संसार चक्र से निवृत्त होकर परमानंद की प्राप्ति और अनुभव कर सके। तो यह सोचकर उन्होंने तप और धर्म और शेयरिंग एटीट्यूड यानी दान और सत्य जैसा देखा सुना वैसा ही बोलना, वैसा ही सोचना और उसमें आत्मविश्वास होना, इस सत्य को और तीर्थ यात्रा की प्रथा को प्रश्रय दिया, यानी उसका उन्होंने आविष्कार किया, उन उपायों की रचना की। किंतु उनको यही जान पड़ा कि इनमें से कोई भी उपाय ऐसा नहीं है जिसके द्वारा मनुष्य निर्वाण को, ब्रह्मात्मा की परम सुख को प्राप्त कर सके। तो फिर वे सोचने लगे और उनके ध्यान करते करते उनके संकल्प द्वारा उत्पन्न होकर अक्ष की माला और कमंडल धारण किए हुए एक सर्वज्ञ देहधारी मनुष्य उनके सामने खड़ा होकर उनको प्रणाम करने लगा। उनका यह मानस पुत्र मैं ही था वशिष्ठ, मुझे देखते ही ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए, किंतु उनको यह अच्छा नहीं लगा कि मैं सर्वज्ञ था, क्योंकि मेरे सर्वज्ञ होने से मुझे अज्ञजनों के प्रति करुणा कैसे आती। जो अज्ञ रहकर सर्वज्ञता को प्राप्त होता है वही अज्ञजनों के दुखों से अनुदुखी हो सकता है, इसलिए मुझे उन्होंने शाप दे दिया। क्या शाप दिया? कि जा तू अज्ञानी हो जा तू देहाभ्यास में फंस जा तू अपने देह मन बुद्धि और अहंकार के पार अपने बारे में कुछ भी न सोच सकेगा। इस तरह का शाप दे दिया। कुछ काल के लिए मैं बिल्कुल किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया, मैं अज्ञ हो गया, मैं अज्ञानी हो गया, और पिता ब्रह्मा से मैंने आत्मज्ञान और तत्वज्ञान पुनः प्रदान करने की प्रार्थना की और कहा, हे भगवान,
इस महादुखदायी संसार रूपी व्याधि की औषधि बताइए। कैसे यह संसार उदय होता है और कैसे इसका क्षय होता है? ब्रह्मा जी ने मुझे इन सब प्रश्नों का विस्तार पूर्वक उत्तर दिया और थोड़े ही समय में मुझे समस्त तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया। तब ब्रह्मा जी ने मुझे यह आज्ञा दी कि मैं जम्बूद्वीप के भारतवर्ष नामक क्षेत्र में जाकर वास करूं और संसार के लोगों के कल्याण के निमित्त उस तत्वज्ञान को, उस ब्रह्म ज्ञान को प्रसारित करूं जो तुम्हें दिया गया है, जो मुझे उन्होंने दिया है। वशिष्ठ जी ने कहा, ब्रह्मा जी का वाक्य था, ताकि कुछ लोग जिनको संसार से विरक्ति हो गई है, आत्मज्ञान प्राप्त करके निर्वाण पद प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए एक दिशा, एक मार्ग, एक मेथड को प्राप्त हो जाए। तो मुझे आज्ञा मिली है, जो पुरुष कर्म परायण है और संसार के उत्तमोत्तम भोगों का आनंद लेना चाहते हैं, उनको मैं कर्मयोग का मार्ग बताऊं, और जो संसार से विरक्त हो गए हैं, डिसिल्यूजन्ड हो गए हैं, संसार समुद्र के पार निर्वाण पद में प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, समाधि में प्रवेश करना चाहते हैं, उनको ज्ञान का मार्ग बतलाकर जीवन मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कराऊं। यहां पर स्थित हूं, तुम ज्ञान के उत्तम अधिकारी हो, इसलिए तुम्हें मैं यह संपूर्ण ज्ञान जो मेरे पिता ने सृष्टि के आदि में मुझे दिया था, वह मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। उसको सुनकर तुम परमानंद को प्राप्त हो जाओगे और जीवन मुक्त होकर संसार में विचरोगे। इसे जान लेना ही पर्याप्त होता है। जान लेते ही यह तुम्हारे अनुभव के धरातल पर उतर जाता है, और जब तुम्हारी बुद्धि इतनी मोटी होती है अज्ञान से, बुरे संस्कारों से, वासनाओं से बुद्धि मोटी हो जाती है, अक्ल कम हो जाती है, तो उसके लिए योग साधना की जरूरत पड़ती है, समाधि के अभ्यास की जरूरत पड़ती है, फिर विवेक ख्याति होने पर, रत्नभरा प्रज्ञा की प्राप्ति होने पर तुम सुने हुए ज्ञान को अनुभव करने में समर्थ हो सकते हो। और अगर नहीं कर सकते तो फिर तुम्हें हृदय में भक्तिभाव जागृत करना होता है, तुम्हें भगवत तत्व से प्रेम करना पड़ता है और उसमें अपने अहम को मेल्ट करना पड़ता है, पिघलाना पड़ता है, और उस प्रेम में भगवान और भक्त दोनों पिघल कर एक हो जाते हैं और परमानंद में निमग्न हो जाते हैं। तो हम तुम्हें ज्ञान मार्ग से उस परम तत्व को प्राप्त करने का मार्ग बताएंगे। अब तुम कल प्रातःकाल स्नान ध्यान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर हमारे पास आओ और हम तुम्हें उस परम तत्व का ज्ञान प्रदान करेंगे।